आइए दोस्तों देखते हैं कि फैक्ट्री में पुराने चप्पलों से नया चप्पल कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले खराब चप्पल को फैक्ट्री में लाया जाता है, जिसके बाद उन चप्पलों की छटैया करके उनको आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक वर्कर इन चप्पलों को उठाकर इस मशीन के अंदर डाल देते हैं, जो मशीन इन चप्पलों को बारीकी से कुतर कर नीचे से निकाल देती है। इन चप्पल के टुकड़ों को एक बोरी में भरा जाता है, उसके बाद इन टुकड़ों को एक दूसरी मशीन के अंदर डाला जाता है। चप्पल के टुकड़ों के साथ साथ उसमें कई प्रकार के पाउडर का भी इस्तेमाल होता है। अब इन पाउडरों को इस मशीन में डालने के बाद उसके ऊपर से एक सफेद पाउडर डालकर उसके ऊपर मोबिल गिराया जाता है, जिसके बाद मशीन के ढक्कन को करके मशीन को ऑन कर दिया जाता है। कुछ देर बाद मशीन को खोलकर उसके अंदर के सारे मटेरियल को बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद इन सभी मटेरियल को चप्पल बनाने वाली मशीन के अंदर डाला जाता है, जहां मशीन में लगे चप्पल बनाने वाले सांचों में इन मटेरियल को डाला जाता है। फिर इसमें मशीन से प्रेशर दिया जाता है। कुछ देर बाद जब इन सांचों को खोला जाता है तो चप्पल अपने आकार में आ जाता है, जिसके बाद इन चप्पलों को बाहर निकालकर इसमें पॉलिश पेंटिंग की जाती है और इसको एकदम नया बनाकर मार्केट में बेच दिया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना।